हेलो दोस्तों, नमस्कार। लगातार मैं आपको सभी यूनिवर्सिटियों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी देता रहा हूँ, और आज मैं CRSU यूनिवर्सिटी जींद विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हरियाणा की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कुछ ही दिनों में मेरे चैनल पर एक हरियाणा जीके की मैराथन क्लास डलने वाली है। बहुत ही अच्छी क्लास होगी, आप पहली बार मतलब ऐसे टीचर से पढ़ोगे, मतलब बोर नहीं होगे आप क्लास में, और बहुत अच्छी क्लास होगी। आज तक आपने ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा यूट्यूब पर, और बहुत जल्द मिलेगी आपको क्लास। लेकिन इस अब मैं शुरू करता हूँ कि CRSU वालों के लिए क्या अपडेट है। 12 जुलाई से विश्वविद्यालय लेगा प्रथम वर्ष की बची हुई परीक्षाएँ। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन दे सकेंगे पेपर, करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई से विश्वविद्यालय लेगा प्रथम वर्ष की बची हुई परीक्षाएँ। जो पहले सेमेस्टर की आपकी मतलब परीक्षाएँ बची हुई थी, जिन विद्यार्थियों उनकी परीक्षाएँ लेगा 12 जुलाई से। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से 12 जुलाई से प्रथम वर्ष की बची हुई परीक्षाएँ ली जाएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लगभग 10 से 12 दिन तक यह परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। प्रथम वर्ष की हर कक्षा में 2 से 3 विषयों के पेपर पेंडिंग है, इसे अब 12 जुलाई से लिया जाएगा। परीक्षाएँ विश्वविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ली जाएंगी। विश्वविद्यालय द्वारा उन विद्यार्थियों को भी राहत दी है जो इस बार ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करना होगा। यह बता दें कि कोरोना के चलते दोस्तों, मतलब मेन बात यही है कि जो आपका मतलब पहले सेमेस्टर के पेपर बचे हुए थे जिन विद्यार्थियों के, उनके 12 जुलाई से पेपर होंगे। एडिशनल विषय में कर सकेंगे BEd। शीर्ष ने BEd पास आउट विद्यार्थियों की अतिरिक्त विषय में BEd का पेपर देने पर छूट दी है। विजय द्वारा ग्रेजुएशन में जिस विषय पर पास आउट की है, उसी विषय में एडिशनल पेपर के रूप में BEd पेपर देने की छूट दी है। इसके लिए विद्यार्थियों को 20 जुलाई तक आवेदन करना होगा। अब जो राजेश बंस रजिस्ट्रार CRSU उनका क्या बयान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिशनल पेपर की छूट, प्रथम वर्ष की बची परीक्षाएं 12 जुलाई से ली जाएंगी, यह ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ली जाएंगी। BEd में एडिशनल पेपर की भी छूट दी गई है। तो दोस्तों, कुछ अपडेट थी मेरे पास CRSU यूनिवर्सिटी वालों के लिए, बहुत ही बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, खासकर उन विद्यार्थियों के पास ज़्यादा शेयर करें जिनके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।